क्योंकि आज हम जा रहे हैं आराध्या को स्कूल छोड़ने। तो अपना टेस्ट कराने जा रहे हैं, रूटीन टेस्ट वगैरह। गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं नायसा का जो बर्थडे हुआ करा था हमने, तो उसका वीडियो क्या सीडी बन गई है उनके बर्थडे की, मिल गई है नायसा के बर्थडे की वीडियो सीडी। ये है बनारस की गलियां, बनारस की गली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिम्बा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:45 और हम लोग रेडी हैं, आराध्या भी रेडी है स्कूल जाने के लिए, यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। और मैं इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं आराध्या को स्कूल छोड़ने। yes. ना खुश हो? तुम लोग सोच रहे होंगे ना कि सिर्फ आराध्या का नाम के लिए जा रहा है, अनायशा का नहीं, अनायशा स्कूल नहीं जा रही क्योंकि आज अनायशा स्कूल नहीं जा रही है, उसको थोड़ा कफ है और रात में बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, तो मैंने बोला कि आज स्कूल मत जाओ, मतलब एक दिन रेस्ट, नहीं तो क्या पता वहाँ जाके थोड़ा ज़्यादा आए या वॉमिटिंग वगैरह हो जाए स्कूल में। तो इसलिए मैंने आज अनायसा की छुट्टी करी है, वो आज स्कूल नहीं जा रही हैं और हम इन आराध्या को स्कूल छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हमें कहीं और जाना है, वो हम आप लोग को थोड़ी देर में बताएंगे कि हम कहाँ जाने वाले, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। और अनायसा जी यहाँ पे नाश्ता कर रही हैं, आएंगे डैडी जैसे ही रेडी होंगे, बस तुरंत हम निकल जाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं आराध्या को छोड़ने, उनके स्कूल जा रहे हैं। सबसे पहले आराध्या को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और मैं नहीं ड्रॉप करूंगी, और अनायसा तो नहीं जा रही है अब। सो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, आराध्या का गेट अभी क्लोज है, अभी ओपन होगा, फिर आराध्या अंदर जाएंगी। चलो ओके का गेट ओपन हो गया है, बच्चे अंदर चले गए हैं और हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं हॉस्पिटल। मम्मा को चेक करने के लिए, मैं थोड़ा अपना रूटीन चेकअप कराने जा रही हूँ। यस मम्मा, कर बॉडी बहुत ज्यादा पेन, आजकल बॉडी में पेन बहुत हो रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा, बहुत टाइम हो गया था चेकअप नहीं कराया था, सोचा कि एक बार रूटीन टेस्ट वगैरह जो होता है वो करा लेती हूँ, कराना चाहिए वो सब, क्योंकि आजकल का जो टाइम चल रहा है वो सही नहीं है। तो जहाँ किसी को कुछ भी, जब कुछ प्रॉब्लम मतलब फील हो कि ऐसा कुछ बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत चेकअप वेकअप करा लेना चाहिए, टेस्ट वगैरह करा लेना चाहिए। और मैं आप लोगों को जो स्पेशली बहरीन में रहते हैं, एक ऐसे पैथोलॉजी के बारे में भी बताऊंगी जहाँ पे जाके आप टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वो भी मैं दिखाऊंगी, और वो कहाँ पे है सारा कुछ डिटेल उसके बारे में, वीडियो में बने रहना आपको। और डैडी को ऑफिस भी जाना है, तो ये थोड़े टेंशन में है कि जल्दी जल्दी सब हो जाएगा तो मैं टाइम पे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, और डैडी का स्कूल और मुझे ज्यादा बुखार है, इसके लिए मैं नहीं जा रही स्कूल। इसके बाद मेरी दीदी स्कूल चली गई और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल मम्मा को चेक करने के लिए, और डैडी को भी ऑफिस चलना है। सो मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ सलमानिया, और ये मेरे लेफ्ट साइड में सलमानिया हॉस्पिटल है, तो मैं सलमानिया हॉस्पिटल में नहीं जा रही हूँ, मैं बाहर एक पैथोलॉजी है वहाँ पे जा रही हूँ अपना टेस्ट कराने।
और ये रियल टेस्ट जो दिख रहा है, यहाँ से हमें राइट लेना है। राइट लेके एक राउंडाबाउट पड़ेगा आगे थोड़े ही, मतलब थोड़ी ही दूर पे, राउंडाबाउट से फिर लेफ्ट लेना है, बस वहीं पे है। तो ये वाला पैथोलॉजी अच्छा है, जैसे आपको ऐसे चेक कराना है विटामिन डी, थायराइड, ये सब, तो उसके लिए बेस्ट है और काफ़ी रीजनेबल है, कम प्राइस में हो जाता है। अच्छा भी, मतलब इस पर रिपोर्ट भी सही रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो मेरे को बस यही थोड़ा सा यही दो चीज़ें टेस्ट करानी थी, क्योंकि बॉडी वगैरह पेन हो रहा था तो लग रहा था कि कहीं विटामिन डी की कमी ना हो गई हो, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि आपके लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जिनको ये सब ऐसे कराना है तो वो बहुत सही रहता है। तो हम भी वही कराने आए थे, हम यहीं से करा लेते हैं जब हमें ऐसा कुछ होता है, और हमारे इंडिया में कुछ डॉक्टर हैं जैसे फ्रेंड्स हैं फैमिली, तो उनसे कंसल्ट पूछ लेते हैं तो, और मेडिसिन दे वो लिख देते हैं, तो अपना लेके अपना खा लेते हैं। तो अभी ये अच्छा है, अभी इसका नाम चेंज हो गया, पहले थायरो केयर था, अभी AVM लैब हो गया। अभी हम लोग, मेरा टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट आएगा विद इन 24 आवर्स, यहाँ पे 24 घंटे लगते हैं आने में। अब अगर आप हॉस्पिटल में कराते हैं तो 2-3 घंटे में मिल जाता है, लेकिन उनके चार्जेस भी डबल होते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये, मतलब इनके रिपोर्ट्स भी अच्छे होते हैं और प्लस इनके इनके प्राइजेस भी काफ़ी रीजनेबल रहते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू यहाँ के हॉस्पिटल्स से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ अच्छा रहता है, और अगर आप पैकेज लेते हैं तब तो और भी अच्छा रहता है। तो ये वाला, मतलब ये बेस्ट रहता है। मेरे को बस ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं डॉक्टर के पास ऐसा नहीं, मतलब रिपोर्ट आ जाएगी फिर हम अपना देखेंगे, क्योंकि बस मेरे को बस बॉडी पेन वगैरह है। जैसे यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो, यहाँ पे ऐसे कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम्स होता है सभी को, क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल ही ऐसी है। तो और बॉडी पेन होना मतलब कहीं ना कहीं वो विटामिन डी और जैसे थायराइड, इन सब की वजह से ही होता है ज़्यादातर। तो इसलिए मैंने वही सब टेस्ट कराया है, तो देखते हैं रिपोर्ट क्या आता है। तो फिर बाकी जो बहरीन में रहते हैं वो यहाँ थायरो केयर में एक बार, जिनको ऐसे नॉर्मल टेस्ट वगैरह कराना है बस चेक करने के लिए, वो थायरो केयर में करा सकते हैं। ये टेस्ट अच्छा है, ये पैथोलॉजी लैब अच्छा है, रिपोर्ट भी अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब रिपोर्ट देता हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा रहता है, ट्रस्टेड है। अभी हम जा रहे हैं घर, जल्दी हमें घर छोड़ेंगे, उसके बाद फिर ये ऑफिस जाएंगे। सो गाइस अभी आ गए घर और हबीबी ऑफिस चले गए हैं, हम लोग को नीचे छोड़े और वो फिर ऑफिस गए, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, 8 बजने वाला है, 7:45 हो रहा है अभी, 7:45। बट हमारा हो गया जल्दी से, क्योंकि हम जल्दी चले गए ना तो भीड़ नहीं थी, अदरवाइज़ भीड़ हो जाती है 7:30 के बाद। तो हमारा टाइम पे हो गया है टेस्ट वगैरह, अब रिपोर्ट आ जाएगी कल। नाइशो की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो अभी चलती हूँ, थोड़ा सा चाय बनाती हूँ और फिर नाश्ता करेंगे। नाइसो ने तो करा हुआ है ना नाइसो? हाँ दीदी के साथ, दीदी घर पे थी, आपने देखा होगा ना, ये नाश्ता खा लीजिए और फिर दीजिए। अभी मैं जा रही हूँ, चाय बनाऊंगी अपने लिए। A few moments later. So guys, अभी शाम हो चुकी है और हम लोग रेडी हैं। चले बाबा, तुम भी आ गए? हाँ। ये मेरी चुटकी भी रेडी है। चुटकी कहाँ जा रहे हैं हम, तुम्हें मालूम है? हम लोग अभी जा रहे हैं नाइसा का जो बर्थडे हुआ करा था हमने, तो उसका वीडियो या CD बन गई है उनके बर्थडे की, तो वो हम लेने जा रहे हैं और फिर थोड़ा सी पेट पूजा भी करेंगे, तो वो लेने भी जाना है। पहले हम वो लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा कुछ, हाँ कुछ खा पी के फिर घर वापस आएंगे। तो हम चलते हैं, मैं चप्पल पहनना भूल जाती हूँ हमेशा। 31 डेज आओ, थोड़ा सामने आओ, थोड़ा गा के सुनाओ, चलो।
जाना जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपना आज मेरा नाना सलाम टिंग 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 क्या है टिंग टिंग जाना जाना अच्छा वो लगा दो थोड़ा वो है ना मेरे ख्वाबों में जो आए वो वाला सुनाना मुझे नहीं आता तुम तो गा रही थी मैं सुनी थी एक दिन मैं सुनी थी बेटा मैंने सुना था तुम गा रही थी नाचा ना जब अकेले होती है तो गाना गाती है मेरी खाबों से आके मुझे चिर ऐसे सामने तो अच्छा वो हिंदी वाला जो हिंदी का कविता सुनाना नशु हिंदी का कविता जो दीदी वाला एक 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 अच्छी पेड़ लगाओ तो तुम बाग बना दोगे एक एक अच्छा पल्लो तो तुम बन जाओगे विद्वान वाह भाई तो गाइस सुना आप लोगों ने वो टीचर व्याकरण था एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे एक एक यदि अक्षर पढ़ लो तो तुम बन जाओगे विद्वान तो वो ऐसा व्याकरण था डैडी तो अभी हम जा रहे हैं पहले जिन जा रहे हैं ना नहीं पहले कुदेविया जाएंगे पहले कुदेविया जा रहे हैं उसके बाद हम जाएंगे जाजी ये है बनारस की गलियाँ बनारस की गली है ना लग रहा है ना बनारस की गली तो हम आ गए हैं गुदेबिया ये है ओल्ड गुदेबिया पानी पानी एसी का पानी है हम लोग आते हैं बिरयानी शॉप बिरयानी खाने आई हो नहीं तो क्या करने आई हो बिरयानी शॉप पे बिरयानी हम लोग हम डैडी हम लोग न्यू प्लेस लेके जा रहे हैं मम्मी न्यू प्लेस राइट अनशा तो डैडी कार पार्क करने गए क्योंकि इधर बहुत ज्यादा रश था पार्किंग नहीं मिली और हम लोग यहीं उतर गए क्योंकि फिर नहीं तो वॉक करके हमें आना पड़ता ज्यादा मेहनत लगती तो हमने सोचा यही हमें यहीं उतार दो yes, तो हम लोग यहीं उतर गए थे और वो कार पार्क करके वॉक करके आएंगे we are so selfish. हम लोगों को वॉक ही नहीं करना है हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते ना हम लोग बहुत वो है कामचोर है लेजी लेजी पीपल बेटा क्या बोला तुमने अभी अभी मैं बहुत ज्यादा फूडी और तुम गाइस अगर ये फूडी हैं तो फिर ये इतनी पतली क्यों है आराधक ना मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी है बहुत पसंदीदा क्या करती है लगी क्या तेरे को नहीं चेक कर लगी है आई थिंक नहीं मेरे बड़े वाले नहीं छोटा सा गेट कहां पे छोटा सा गेट सो गाइस अभी हम लोग बिरयानी खा के यहां से निकल रहे हैं एक्चुअली ना मुझे अच्छी चीजों की बिरयानी और मोमोज मम्मी कौन वाले मोमोज बिरयानी खा के यहाँ सच में बहुत मजा आ जाता है अरे यार मजा तो मेरा अभी पच गया है और चाहिए तेरे को तब क्या बोल रही पच गया है मतलब एकदम फुल हो गया ऐसा बोल अब तो मुझे कुछ हवा ही नहीं जाएगा बाप रे तो हम लोग अब वॉक करके जा रहे हैं
कि हमें बिरयानी पचाना है। अब बिरयानी पचनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खा लिया है। नहीं, क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जल्दी पार्किंग नहीं मिलती, तो बहुत बड़ी आप देख लो कहीं एक भी पार्किंग खाली नहीं है, पूरी फुल है। मेरे ऊपर चल साइड जाओ कार, तो हमारी कार पता नहीं डैडी ने कहाँ पार्क कर रखी है, लंदन। हम वॉक कर रहे हैं, बस अच्छा हवा लग रहा है एकदम, वाह यार अच्छा ना, फेस पे कितनी अच्छी हवा लग रही है ना, मेरे ऊपर गैस मिल रही है, वो गाड़ी गई ना अभी, देख अच्छी अच्छी हवा चल रही है, एकदम मस्त स्मेल का। अपनी कार के पास पहुंच चुके हैं, थक गए बहुत चलाया आज डैडी ने, तो गाइस हम पहुंच गए हैं जैस्मी सनाशा का सीडी लेने। आओ ना डैडी, बहुत चला के खुद नहीं जाते, मेरे से सारा काम कराते। मिल गई है नायसा के बर्थडे की वीडियो सीडी, और अब हम डीवीडी, अब हम इसको देखेंगे घर पे, देखते हैं लोग क्या किस तरह से बनाया, मतलब वो है कि शायद ये लोग बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाए हों। चलें, चलो बाय।